आदाब नाजरीन, मैं MS अली, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज। आइए देखते हैं ये खास खबर। आए तो पुलिस वाले औरता को भी देखे नहीं, हम लगा को माता पकड़ ले को, रेड कलर पकड़ ले को, हम लगा को उठाए। बुढ़ी आदमी आई तो बुढ़ी आदमी को तुझे ये जरूरी क्या, तू मरने बैकी है को पूछे, इज्जत से गई नहीं तो तुम लगा को FIR लिखा दे, तुम लगा रास्ते में जाते स्टैम्प को तुम लगा को FIR के नोटिस भेजते है, खत्म लगो जमा देंगे। CA उमर साहब है, असल उन्होंने एक मुसलमान इतना हम ना को नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में आड़ा खड़को हम ना अगले का माता करे और तक बुलाए, वो मरता ने ऊपर ऊपर है हमारे वास्ते करते हैं। ये हमारे बाबा दादा की जागीर है, ये रोड किसका तो जागीर के हुए, ये हमारे और तक कहीं पाए रोड को ये लगा के नौकरिया को ये कर लेने के वास्ते आए क्या, ये लगा के वास्ते आए क्या, हमें हमारी दिल की तकलीफ के वास्ते आए हो या तो हम लगा को साफ दिन चो, नहीं तो तुम्हारे नौकरिया तुम्हें कर लो। हम लगा मुसलमान हम रोड पाए, वो तो पुलिस वाला भी वो से CM भी वो से MLA भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं, हमें रोज भी आते बैठते जिया कहीं लेते नहीं, एक आधा घंटा लेते एक घंटा लेते, हमारा रोना हमें रोते हमें जाते उतने दूर कुछ बन के तुम लगा आको बुरा भाई का वो भी देखे नहीं, रख कर आप पकड़ लगा उठाने की जरूरत क्या, वो बच्ची भाई की है तो हसीना कहती तो बच्ची तो हाथ पकड़ लगा व्यायाम में डालने गए और पुलिस वाले सुने नहीं बाबू FIR पुलिस वाले को खराब हमारे बच्चे को कहते जेल में जलाते कहते, हम यहाँ बैठे तो कहते हमारे ऊपर सबसे जुल्म करते कहते, बड़े बड़े व्याला को बुला को कहते खींच रहे को जाते कहते, ये कहाँ का इंसाफ है, MLA रहेंगे CM रहेंगे रावली जगन कावली जगन के कई कुछ जगन सारे हैं, हम लगा को रोड पर खींचने के वास्ते क्या MLA वेलमपल्ली श्रीनाथ राव जोर बच्चे से कहा खड़े खड़ा को पूछे अम्मा वोट डालो वेलमपल्ली श्रीनाथ राव गारू मैं इनके इनकी गारू पिल्लल ने भार्य ने वेसकोनी ఇప్పుడు రావట్లేదే, ఏ ఇప్పుడు మీకు మాది అవసరం లేదా, మీ చెల్లెల వాళ్ళు మీకు అవసరం లేదా, ఇప్పుడు సంఘం అవసరం అయిపోయిందా, మీ అవసరం అయిపోయిందా, పోలీసు వాళ్ళని పిలిపించి మమ్మల్ని పట్టిస్తారా, మీరు రేపు నించాక మేము ఇక్కడ కూర్చుంటే సవాసి హమే బయటకే అన్నా జులుం కడితే కదా భయ బజేసి హమే 8 బజే नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।